Okay, okay. सर शुरू करें। सर ये बताइए, कमला सर ने कल बोला था कि सबसे पहला टेररिस्ट हिंदू है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बोला उसकी जबान काट देनी चाहिए। नहीं, जो महात्मा गांधी को मारा, जिसने फादर ऑफ नेशन जिसको मानते हैं, उसको क्या बोलेंगे? महात्मा बोलेंगे, राक्षस बोलेंगे? उसको टेररिस्ट बोलेंगे या असैसिन बोलेंगे? जिसने महात्मा गांधी के सीने में गोली चलाई, जो कॉन्स्पिरेटर है, और फिर जो कपूर कमीशन में जिसके बारे में रोल प्रूफ हो गया कि वो भी कॉन्स्पिरेटर था, उनको क्या बोलेंगे आप? उनको महान आदमी बोलेंगे या नीच बोलेंगे? उनको टेररिस्ट बोलना पड़ेगा, वो टेररिस्ट ही है। लेकिन ये कहा गया था वहाँ पे जहाँ पे मुसलमान वहाँ पे ज्यादा थे और ये प्रचार करने गए थे, तो अपीसमेंट नहीं, 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 मेरे को नहीं मालूम। मैं आप इतना ये कह सकता हूँ कि जिसने महात्मा गांधी के सीने में गोलियां मारी और जिनको सजा हुई, और कपूर कमीशन में जिन पर कॉन्स्पिरेसी का एंगल साबित हुआ, वो तमाम के तमाम टेररिस्ट हैं। जो उसने बापू को मारा उनको टेररिस्ट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उनको उनको क्या भूल बनाएंगे? तो अभी बोल रहे सर 1948 में हुआ, तो अभी उसको अभी अरे फादर ऑफ द नेशन की असैसिनेशन को आप भूल जाएंगे क्या? आप भूल जाएंगे तो इसका मतलब आपके दिल में महात्मा गांधी से मोहब्बत थी? हाँ, तब से बोल रहे, तब से बोल रहे। जो भी मारा, जिन पर सजा हुई, रेड फोर्ट के अंदर जिस पर केस चला, वो तमाम के तमाम टेररिस्ट हैं। ये बात पीरियड, ये उसमें कोई दो राय नहीं है। इनको आप कोई महात्मा नहीं बोल सकते। जो गोली मारे उनको क्या बोलेंगे? फादर ऑफ द नेशन को इलेक्शन के पीरियड में ही ये भुनाना हिंदू टेररिस्ट का जो ये वर्ड वो आप उनसे। लेकिन सर, जब मोदी जी ये कहते हैं कि उन्होंने INS विराट को राजीव गांधी ने टैक्सी की तरह यूज किया, तो ये तर्क दिया जाता है कि इतने साल बाद क्यों आपको याद आ रही, तो वो लॉजिक इस पर लागू नहीं होता क्या? देखिए, INS विराट में तो वो जो कैनेडियन सिटीजन है, जिसने मोदी का इंटरव्यू लिया था, जिसने आपके चैनल ने और उन्होंने चलाया था आप लोगों ने कि आप आम भी खाते हैं, वो कैनेडियन सिटीजन भी तो शिप पर गया था। वो क्या था, वो क्यों गया था? कैनेडियन सिटीजन चला गया भाई, अब बताइए, उस पर नहीं बोलेंगे। सर, ये इंटॉलरेंस की बात कई सालों से हो रही है। अब कल ही ममता बनर्जी को एक उनका मेम बनाया गया, और एक महिला को जो कि एक पार्टी की लीडर है, उनको 14 दिन की जेल भी रिमांड किया गया, तो ये कहाँ का टॉलरेंस हुआ सर? क्या केरला में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर फेसबुक पर अगर किसी ने मोदी के खिलाफ लिखा तो जेल को नहीं भिजाया? उनको नहीं भिजाया? आप बाल ठाकरे की मौत के बाद किसी ने लिखा तो उनको क्या किया था? ये एक बात, ये तो एक कानून बनना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि भाई उनको माफ़ी भी जाने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उस लड़की से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको छोड़ भी दो और अपोलोजाइज करो, ठीक है, मामला खत्म। सर, ये रेप के केसेस 3 आए हापुड़ कश्मीर में और अलवर में, तो कितना सीरियस ये मामला होता जा रहा है? नहीं, अलवर पे तो मोदी साहब को बादल नजर आ गए, हापुर में उनको राडार नजर नहीं आया, गुजरात में उनको बटवा नजर नहीं आता, गुजरात में दलितों की जो शादी की बारात थी रोक कर उनको पीटा गया, मारा गया, किसी एक शादी दलित एक दूल्हा अगर किसी मंदिर में गया तो मंदिर पे हमला हुआ। तो हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको जहाँ पर सेलेक्टिव नजर आता है वहाँ रडार नजर आता है आपको पॉलिटिकल, और जहाँ पर आपकी कमजोरी दिखती है आपको बादल नजर आते, और फिर जहाँ पर आपको फायदा नजर आता है बटवा नजर आता है आपको। तो ये पॉलिटिक्स छोड़ दे, वो बादल रेडार और बटवा की पॉलिटिक्स छोड़ दे, वो एक्सपोज हो चुके हैं। हापुर के बारे में मोदी जी को बोलना चाहिए, उन्हीं की सरकार है, जो उन्हीं का चीफ मिनिस्टर है, जो कहता है कि मैं बजरंग बली का नाम लूँगा, किसी और का नहीं लूँगा, तो फिर हापुर में बच्ची का नाम क्या है? फिर वो जाए, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं आता उस बच्ची के पास जिसने अपने आप को जला कर कहा कि अब तो मेरा कोई बलात्कार नहीं कहेगा? तो हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी बादल और रडार को छोड़कर उस बच्ची हापुर की बात करेगी।
कल केसीआर स्टालिन के साथ मिले, लेकिन वहां पर कुछ साफ नहीं हो पाया, ये भी कहा जा रहा है। बादल बिल्कुल साफ है। कहां पे बादल बिल्कुल साफ है? फेडरल फ्रंट के लिए बादल बिल्कुल साफ है। केसीआर का पॉलिटिकल रेडार टारगेट पर है और इंशाल्लाह ताला बराबर सब चीज़ सही होगी। एक स्टार्ट उन्होंने लिया है, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो केसीआर के सेकुलर क्रेडेंशियल्स पर सवाल कर रहे थे। वो जाकर पिनरी विजयन से मिले, वो जाकर कल डीएमके के सबसे बड़े लीडर स्टालिन से मुलाकात की, बराबर सही काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है डीएमके के सूत्रों द्वारा कि स्टालिन ने कहा है कि वो कांग्रेस के महागठबंधन में आ जाए। अरे भाई, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो मालूम हो जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। मगर केसीआर की कोशिश ये काबिल मुबारकबाद है और ये बताता है कि उनकी पॉलिटिकल सेगेसिटी को, उनके पॉलिटिकल विजन को, जो कल तक फेडरल फ्रंट के बारे में लोग समझ नहीं रहे थे, आज सब समझ रहे हैं और उसको ये मान रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव है और यही देश के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर, कुछ लोग जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये फेडरल फ्रंट कुछ नहीं है, ये महागठबंधन की हवा निकालने के लिए मोदी के पक्ष में किया गया एक्ट है। अब देखिए ना, ये जो जहनीत के लोग हैं ये भूल जाते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी को किसने हराया। 501 MLA हो गए, 100 असेंबली सीट पर उनकी डिपॉजिट जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई। अब पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो उसमें भी बीजेपी का 1 MP नहीं आएगा सिकंदराबाद से, तो ये किसने किया? ये जो जहनीत है ना, ये जो सोच है, ये बड़ी एरोगेंट सोच है। एक शख्स कह रहा है कि मैं एक फेडरल फ्रंट चाहता हूँ जो जिसमें बीजेपी नहीं रहेगी, जिसमें कांग्रेस नहीं रहेगी, और ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और यकीनन रीजनल पार्टीज के पास एक बहुत बड़ा नंबर होगा और मैं अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से, साल से कह रहा हूँ कि बगैर रीजनल पार्टीज के कोई सरकार नहीं बना पाए। सर, December 7, 2017 मणिशंकर रॉय हैड कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर अ नीच किस्म का आदमी एंड टुडे ही इज जस्टिफाइड इट एंड सेड ही इज जस्ट बीन प्रोफेटिक अबाउट व्हाट ही हैज सेड। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट सर? आई थिंक मणिशंकर रॉय इज अ मोटम ऑफ एवरी टाइम ही गेट्स कॉल्ड इन कॉन्फ्रेंस। Well, I cannot speak for Mr. Manishankar Rai. But do you think calling names and the Prime Minister is justified? Well, especially something as... Well, you see, if the Prime Minister can call names, the Prime Minister has called everyone, each and every one name. Wherever he goes, he call names. Speed breaker, he goes to a... Bengal, he says something. He goes to Odisha, he says something. He goes to Tamil Nadu, he has to say something. He came to Hyderabad, again he spoke. So my request to Times Now is, please don't make the Prime Minister very holy figure. He should be open to political criticism. Yes, no one should cross the model code of conduct language barrier. And that is the case, but if anyone criticizes the Prime Minister, the skies are not going to fall. Okay, sir, hoga sir. Hoga. Mamata Banerjee ke us pe Priyanka Sharma ko bail mil gayi hai aaj. Supreme Court ne faisla diya aur Supreme Court ne unse kaha bhi hai ki aap Mamata Banerjee se अपोलोजाइज करिए, उनसे माफ़ी मांगिए, तो उनको करना चाहिए। वन थिंग इज फॉर श्योर, वेदर यू नो द रीजनल पार्टीज वुड प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड एज थिंग्स स्टैंड नाउ बीजेपी इज डेफिनेटली लूजिंग and they're not going to form the bomb. So it is the regional parties who will play very well. Sir, again on the power of we have seen that how Prime Minister Narendra Modi asked Mayawati to take support back from Rajasthan government where a Dalit... That is the hypocrisy of the Prime Minister. That is the duplicity of the Prime Minister. The Prime Minister is so arrogant that he does not want to do some introspection when it comes to him. When a mirror is shown to him that these are the mistakes which your government has committed
these are the things which are happening under your rule state. The Prime Minister is not humble and modest enough, and to accept the mistakes. Like here you have a girl who has self-immolated herself, and that is a dying declaration also. I hope she lives. But she has given a statement, and when certain percentage of her body is burned, that when she says that at least now will not be raped, will I request the Honorable Prime Minister to react to it? Where is that a slogan of Beti Bachao Beti Padhao? Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.